ज़किया की जिद और अना का जहर महसूस किया है मैंने। ऐसे लोग ना खुद सुकून में होते हैं ना दूसरों को सुकून में रहने देते हैं। कितनी बुरी बन गई होंगी उनकी नजरों में। निम्रा ने सब मेरी वजह से किया, उसने अपनी जिंदगी गाजियान के लिए दांव पे लगा दी। मुझे समझ में नहीं आता कि उसने ये हरकत की क्यों है। जिंदगी से प्यारी भी कोई चीज हो सकती है? हाँ, मैं एक दफा उसकी आंखों में देखने की गलती कर ली थी और फिर अपना रास्ता भूल गया। कहीं नहीं जा पा रहा ना इधर ना उधर। कब से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई समझता ही नहीं। निम्रा भी नहीं समझी, इतनी स्टूपिड हरकत कर दी उसने। मुझसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गाजियान, आई अंडरस्टैंड योर पेन। आई नो हाउ यू फील। लेकिन मुझे एक बात बता, तुमने निम्रा से ये खबर, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शेयर की थी, उसे इन्वॉल्व किया था? यही तो नहीं कर पाया, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मैं ये जानता हूँ सुने, एक रिक्वेस्ट है आप पे। बोलो। ये हमारे घर का मामला है, ये बात पुलिस तक ना ही जाए तो you know that I think the world of you, right? लेकिन हाजियान, ये लीगल इशू है, पुलिस केस, और हॉस्पिटल का लीगल डिपार्टमेंट ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। प्लीज, मेरी खातिर। आई नो कि आपके लिए बिल्कुल रिस्की नहीं। I'll see you later. Take care. मेरी एमओ से बात करवाएं प्लीज। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया, अगर किसी को एतराज है तो अपनी हद तक रखे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया। बहस करनी भी नहीं चाहिए। बेटी क्या नाज है और इस रिश्ते के तकाजे पूरे करने में बहुत मुश्किल। आइए हम फारा से मिल लेती। सुबह वो इमरजेंसी में घर से निकली थी, क्या पता था हमारी बच्ची पे ये मुसीबत आने वाली है, वरना उसके साथ ही हम भी आ जाते। अल्लाह का शुक्र है ये मुसीबत भी टल गई। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में पहुंच चुकी और तुम यहाँ उसका तमाशा देखने के लिए आ गई। बेशर्मी की भी कोई हद होती, किसी ने सिखाया तो होता तुम्हें कि पराई चीज पर नजर नहीं रखते। सुन, देखो, अपना घर तो बनाने दूसरे का भी उजाड़ दिया।
मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब यहां से चले जाएं। ये मेरा हॉस्पिटल है जिसे आप लोगों ने अपने घर का मीटिंग एरिया समझ लिया। आपकी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और आप लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है? किस किस्म के लोग हैं आप? गाजियान, जब आपकी पेशेंट को होश आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेरी निम्रा के हिस्से की खुशियां छीन कर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। कभी नहीं, मैं तुम्हें खुश रहने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं रहने दूंगी, याद रखना। आपको क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक हॉस्पिटल में खड़ी हैं, आपको एहसास भी है? मेरी बेटी सुबह से भी होश पड़ी है, उसकी सांस रुक रुक कर चल रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे एहसास है? इस लड़की की वजह से हुआ है सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। पापा प्लीज। गाजियान, तुम अपने पुप्पो को ले जाओ, मैं हूं निम्रा के पास, जाओ। आई एम सो सॉरी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। ये हमारे घर की बातें थी जो इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। सुबारिया मेरी जान, खुद को संभालो, ऐसे नहीं करते। ये लो थोड़ा सा पानी पियो। गुलांटिया बिल्कुल ठीक कह रही, ये आप लोगों के घर की बात थी और घर की बात जब घर से बाहर निकल जाए वो अपनी अहमियत खो देती। मेरे ख्याल में आप लोगों को एक दफा बैठकर ये बात कर ही लेनी चाहिए, वरना ये तमाशा शायद बार बार। डॉक्टर फराह, आई एम रियली सॉरी, कि जो भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, अब बेहतर है मैं अब सबसे दूर हो जाऊं। अल्लाह हाफिज़। बैठो, सिट। अब और से मेरी बात सुन, मैं तुम्हें एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, तुम्हारे नर्व्स के लिए जरूरी है कि तुम रेगुलरली उसे लो। गुलांटी आप भी इसका ख्याल रखें। सुबारिया, सुबारिया प्लीज मेरी बात सुने। मैं जानता हूं कि पप्पू ने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया, लेकिन हाँ मम्मी, मैं पहले जमशेद को तो राजी कर लूं फिर आगे बात करूंगी, ठीक है ना? हाँ लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ज्यादा कोई उम्मीद ना रखिएगा, मेरी नन साहिबा तो अपनी नाक पे मक्खी तक ना बैठने दें। और हाँ, शिराज को भी समझा दें। हाँ हो गई तो ठीक है, वरना कोई मजबूरी तो है नहीं। और हाँ, जहेज वहेज की भी कोई उम्मीद ना रखिएगा। अरे शिराज को तो मैं रोज समझाती हूँ, मगर वो समझे भी तो। और तुम कल चक्कर लगाओ,
देखो सबसे पहले अपने ससुर और जमशेद के कानों तक हमारी बात पहुंचा दो। आखिर को डॉक्टर बन रही है, हमारे काम आएगी। शिराज का तो तुम्हें पता है, टिककर कहीं काम करता ही नहीं। उफो मम्मी, एक तो आपकी बहुत पुरानी आदत है ये ख्वाब देखने की। जहाँ मैंने भी बात छेड़ी है नहीं, और आपने पूरी आगे तक की प्लानिंग कर ली है। अभी ना बस आप फोन बंद करें। और हाँ, अच्छा बात सुने, कल आपने मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। काजियान, निम्रा ने बहुत बर्दाश्त किया है। ये सब जो हुआ है ना, ये बहुत बर्दाश्त के बाद ही होता है। उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसको इस हद तक आप सब लोग लेकर आए हैं। यार अगर किसी बात पर गुस्सा था तो निकालने का ये कौन सा तरीका? वैसे तो पूरी दुनिया की किताबें पढ़ रखी हैं, जो टॉपिक ले लो उस पर बहस कर लेती, लेकिन इतना नहीं पता कि अपनी जान लेना कितना बड़ा गुनाह है। काजियान साहब, गुनाह तो किसी का दिल तोड़ना भी है, इसके बारे में क्या कहोगे? सबा तुम भी वही सोच रखती हो। अफसोस है मुझे तुम लोगों की सोच। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने निम्रा से कोई ऐसा वादा कभी किया ही नहीं। इनफैक्ट हम इस रिश्ते को लेकर कभी सीरियस थे ही नहीं। ये तुम्हारा ख्याल है, बल्कि नहीं, दुनिया के 90% मर्दों का ये ख्याल होता है। जब उनसे कोई रिश्ता संभाला नहीं जाता तो वो कहते हैं हम सीरियस ही नहीं थे। सबा, मेरा और निम्रा का रिश्ता सिर्फ बातों की हद तक। फूफो ने कह दी और मैंने सुन ली। निम्रा खुद कहती थी कि हम सारी जिंदगी तो क्या, एक दिन भी इकट्ठे नहीं गुजार सकते, तो उसके बाद ये मरने मारने की कहानी में कैसे ज़ूम कर लेते? काजियान, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, कार्ड तक छप चुके थे, अब क्या शादी वाले दिन कहना था कि सीरियस नहीं हूं? खैर छोड़ो इन बातों को, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। और जहां तक निम्रा का सवाल है, वक्त के साथ साथ वो भी संभल जाएगी। सबा, मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल, तुम नहीं जानती। मैंने बहुत सोचा, बल्कि मैंने बहुत दिनों तक सोचा। सबा तुम्हें पता है ऐसी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती। इसमें दो लोग तो साथ, लेकिन उनके दिल ना मिलते। यू नो व्हाट, जो तुम्हारा दिल करता है करो। वो जिंदगी क्या जो हम अपने लिए जीते हैं, वो जिंदगी जो दूसरों के नाम करके जीते हैं, उसकी तिश्नगी, उसकी खलिश, उसका अपना ही मजा है। काजियान, इंसान खुदगर्ज होता नहीं, उसके हालात उसे खुदगर्ज बना देते हैं। मैं निम्रा की खुशी को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं तुमसे उसकी खुशी मांगने आया। मेरे और तुम्हारे बीच में जितने भी रिश्ते हैं, किसी एक की लाज रख लेना। प्लीज। मेरी जिल्लत में कोई और कमी रहेगी हो तो प्लीज उससे भी आके पूरा कर दें। कुछ लोग और बुला लें, जो क्या के मेरा तमाशा देख लें। क्या आपने क्या गैर काजियान, सबको बुला लें और मैं आ जाती हूँ फिर जलीलों ने। बस करें, जो भी दिल में आता है बोलती जाती,
फूफो ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांग भी लूं तो कौन सा आपने मुझे माफ कर देना। मैंने आपको, आपकी फूफो को, सबको माफ किया। अब आप भी मुझे प्लीज माफ कर दें और मेरा पीछा छोड़ दें खुदा के लिए। मेरी जिंदगी बहुत सुकून में थी आपसे पहले। प्लीज गाजियान, मुझे मेरा सुकून वापस लौटा दे और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लड़कियां मरने और मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जी कहिए, अब कोई और एहसान रह गया क्या? आपने मुझे निम्रा का नहीं बताया, उसे होश आ गया अब? निम्रा, उसके बारे में बताने के लिए आपको मैंने फोन किया, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया? ठीक नहीं है वो, कॉन्शियसनेस उसकी काफी लंबी रहती है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। गाजियान, आप मेरी एक बात मानेंगे? अब तक आपकी बात ही तो मानता रहा हूं। प्लीज, ये हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। प्लीज अब आप सिर्फ निम्रा का ख्याल रखें, और अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदगी तो बस एक बार मिलती है, और निम्रा ने अपने आप को अज़ियत देते हुए एक बार भी नहीं सोचा। मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके लिए, वो इतनी अच्छी इंटेलिजेंट सी लड़की है, उसे सब अपने साथ नहीं करना चाहिए था। शायद उसकी जिंदगी में कोई उलझन हो, हम कभी कभी हार जाते हैं, जो जीतना चाहे वो भी, जो हमारे पास हो वो भी। बाबा जान, उसने जिंदगी हार कर किसी का दिल जीतने की कोशिश की है, आप दुआ करें ना कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। मुझे पता है अल्लाह आपकी सब दुआएं सुनता है। मेरा रब उसके हक में बेहतर करे, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, किस्मतें नहीं बदल सकते। उसकी किस्मत में गाजियान है, लेकिन अब गाजियान को कौन समझाए? वो अपनी और उसकी किस्मत बदलना चाहता है। इस बार वो आए तो आप प्लीज उसे समझा दीजिएगा। आपके बार वो आएगा तो मैं उसे कह दूंगा कि अब आइंदा यहां ना आए करे। अगर हम किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो हमें यह हक भी नहीं पहुंचता कि उसे आजमाइश में डालें। गाजियान अच्छा लड़का है, लेकिन अगर उसकी किस्मत में निमरा है तो हम दोनों के लिए दुआ करेंगे। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हो सके तो मेरे झुके हुए सर की लाज रख लेना। दिन
बाबा आई एम सॉरी, बाबा आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हुआ। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दें बाबा, लेकिन मुझसे बात तो करें, यूं खामोश तो ना रहें बाबा, कुछ तो कहें, कुछ तो बोल। बाबा बाबा मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं घर से इसलिए तो नहीं गया था कि मैं आपसे नाराज था, मैं तो निम्रा और पप्पू की वजह से गया था। मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ रहा तो उनको और तकलीफ होगी बाबा, लेकिन मुझे आपकी खामोशी नहीं आपका गुस्सा चाहिए बाबा। आप मुझे डांटे, आपने जो कहना है कह दे बाबा, मैं सुन रहा हूँ आपकी हर बात। आप बोलें बाबा। निम्रा के साथ शादी कर लो। बाबा मावाजियान, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हो सके तो मेरे झुके हुए सर की लाज रख लेना। हाँ गुल, हाँ तुमसे बस यही कहना है कि तुम अच्छी तरह जानती हो और समझती हो कि ये शादी दो अफराद के दरमियान बंधन का नाम नहीं है, बल्कि ये उम्र भर का रिश्ता होता है। दो खानदान आपस में जुड़ेंगे नहीं तो इस रिश्ते की बुनियाद मजबूत कैसे होगी? जरा सोचो ना, जिस रिश्ते की शुरुआत ही इख्तलाफात से हो तो उसकी हैसियत क्या होगी? ये बात तो तुम जुबारिया को समझा सकती हो। और हाँ, अभी तो हमने पुराने इख्तलाफात नहीं निपटाए, पुराने झगड़े तो अभी वहीं पे हैं। फिर जुबारिया को इस नए रिश्ते के साथ कौन कबूल करेगा? भैया निम्रा कैसी है? होश आ गया उसे? दुआ करो कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। वो जो हो गया उसे भूल जाए,
कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। निम्रा की हस्ती की हस्ती जिंदगी को रोक रखे। मुझे पता वो कुछ कहेगी नहीं, दुख जमा करती रहेगी। कौन आएगा उसकी जिंदगी में जो उसके दिल की सुनेगा? कोई क्यों नहीं आएगा उसकी जिंदगी? अपनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं गाजियान, क्या करूं? नफरत ना करूं तो क्या करूं उस लड़की से? मैं कितने खुश थे तुम दोनों जब वो लड़की नहीं थी, और अब क्या हो गया? देखा है तुमने क्या हो गया? उससे नफरत ना करें, उसका कोई कसूर नहीं। आपका गाजियान आपके पास है, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। मुझे आपके सारे फैसले कबूल हैं। आपको आपका गाजियान मुबारक हो, लेकिन जुबारी का गाजियान उसके पास ही रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मेरी सोच बदलने के लिए, मेरे दिल को बदलने के लिए। अच्छी बात है ना, निम्रा को मोहब्बत ना मिली तो वो मर जाएगी, वारिया को इज्जत ना मिली तो वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूँ, वारिया के लिए कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि इस बात पर आप मुझसे नाराज नहीं हैं। नाराज? तुमने तो मुझे जीने की एक नई राह दिखाई है। बहुत सारे रिश्ते या एक मोहब्बत, फैसला बहुत मुश्किल होता है। मोहब्बत हार के रिश्ते जीत जाना कोई हार नहीं होती। किसी ने मुझसे कहा कि कोई हंसी खुशी अलग नहीं, लेकिन जिंदगी खुशी और खलेश के बीच कहीं फंस के रह जाती।
एक बात पूछूं आपसे? अभी भी पूछने को कुछ बाकी है, जल्दी बोले। शादी करेंगे मुझसे? या अल्लाह, हमें वो लोग क्यों अच्छे लग जाते जिनसे हमारी किस्मत के सितारे नहीं मिलते। या अल्लाह, मेरी ये खलिश कम कर दे। गाजियान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? गाजियान, आप क्या कर रहे हैं? गाजियान, छोड़िए मेरा हाथ। आप पागल हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक होश में हूँ। मेरा पागलपन आप जानते हैं? मेरे सवाल कर रहे हैं। जुबारिया, जुबारिया कहाँ हो भाई? तनी ये सुबह सुबह लड़की कहाँ गायब हो जाती है? मजाल है जो ये लड़की कभी मेरे किसी काम आ जाए। मुझसे इन सबके नाश्तों के तमाशे, जिसको जो खाना है खुद जाके पकाए। रुसवाई, जानते हैं क्या होती है रुसवाई? इंसान को जीते जी मार देती है और बार बार मारती है। और आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आपकी नजरों के सामने रहूं और बार बार मरती रहूं? Trust me, मैं बुरी नजर की कमी हूं। नहीं, मैं ट्रस्ट कर सकती किसी ऐसी बातों पर जिनका ना कोई सर हो ना कोई पैर। निम्रा, ज़किया मामी, वो सब खुश नहीं होंगे तो क्या आप खुश रह पाएंगे? और अगर मैं आपकी जिंदगी में ना हूं तो आप खुश रह पाएंगे? मैं अब तक खुश थी और आगे भी खुश रहूंगी। झूठ बोल रही हूँ, उससे अपने आप से
प्लीज दुबारिया, मुझे आपका साथ चाहिए। आपका साथ हो तो पूरी दुनिया से लड़ लूंगा और जीत भी जाऊंगा, लेकिन आप जरूरी हैं मेरे लिए। कोई किसी के लिए जरूरी नहीं होता गाजियान, और अगर कोई हो भी तो हर जरूरी चीज की कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होती है। ना किसी के आने से कुछ बदलता है, ना किसी के जाने से कुछ फर्क पड़ता है। कितनी आसानी से आपने ये सब कुछ कह दिया जुबानी। सच बताएं, आपने एक बार, अब से हम मिले हैं एक बार भी मेरी मोहब्बत महसूस हुई? नहीं, कभी नहीं। कैसे कह सकती हैं आप? जिंदगी की तरह सांस लेती आप मेरे अंदर और मैं आपको महसूस भी नहीं होता। गाजियान, आपको नहीं लगता आप ज्यादा ही ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं? बहुत किताबी बातें कर रहे हैं आप। माना कि किताबों में लिखे हुए अल्फाज सच होते हैं, लेकिन जिंदगी की सच्चाई ज्यादा तकलीफ से होती है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, सिर्फ आपका साथ चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साथ गाजियान, जो मुझे अपनों से ही दूर कर दे। हम सारी जिंदगी नहीं सुन सकती ताने निमरा के उजकियां मानने की। आज तो आप मुझे दूर ले जाएंगे, लेकिन कल को आप पछताएंगे अपनी इज्जत पर। सब इतना आसान नहीं होता। मारिया निमरा जानती हूँ, मेरे दिल में सिर्फ आप हैं। शादी के बाद जब घर में जगह बन जाए तो दिल में भी बन जाती है। आप निमरा की खुशी को अपनी खुशी समझो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी इज्जत से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना? फिर से कह रही। हाँ, मुझे मेरे दिल को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप प्लीज निमरा से शादी कर लें, ये मेरी ख्वाहिश है। खाना बदोशों की तरह आज यहां कल वहां, अब अपने घर से रुखसत करने आ गए। अगर आप अपने घर में रहती तो मुझे खाना बदोशों की तरह जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। निमरा को आप कबीर अंकल अपने घर से रुखसत करें। उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो किसी की जिंदगी को सवाल बनाए। लड़कियों को अपनी हद पता होनी चाहिए, क्यों खुली किताब बन के सामने आ जाती है? मैं कभी ऐसा नहीं चाहती तुम जुबारिया को छोड़कर मुझसे शादी करो। निमरा की शादी उसके घर से होगी, ये मेरा फैसला। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।